हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही थी कपड़े प्रेस, तो कपड़े प्रेस थोड़े से ही हुए थे और लाइट चली गई, फिर मुझे बैठना पड़ा। तो अभी मुझे बैठना पड़ा थोड़ी देर के लिए। और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है प्रेस करना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो थोड़े से मैंने किए हैं। अभी बैक कैमरा ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वाले कपड़े मेरे प्रेस हो चुके हैं। और ये वाला मैं कर रही थी तभी लाइट चली गई थी। और इतने ये सारे प्रेस करना है, और ये सगुन की ड्रेस करनी है। अभी दो तीन शर्ट दूसरी जगह भी यानी धुल के डाले थे, तो उसको भी लाना है, वो का शर्ट भी करना है। और इतने जो है बच्चों के पार्टी ड्रेसेस हैं ये वाली, तो उनको भी रखना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतने सारे ठंडियों के कपड़े मेरे अभी पड़े हुए हैं, रखे थे धुले, तो मैंने उसको इनको जो है रखना भूल गई। तो अभी जाते हैं, इनको भी आज रख देंगे, क्योंकि बाहर पड़े पड़े फिर पड़े ही रहते हैं, तो इनको भी मुझे रखना है। और एक दो कपड़े इधर प्रेस किए हुए थे लेकिन डिब्बों के बीच में फिर से ख़राब हो गए, तो इनको भी मुझे प्रेस करना है बच्चों के स्कूल के। तो जाते हैं, जितने बच्चे हैं तो इनको प्रेस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए मेरे शिवजी, और मैंने ही बनाया था इनको शादी के पहले, और फिर मैं यहाँ ले आई। मैंने कहा फ्रेमिंग करा लेंगे, वो भी नहीं करा पाई मैं। तो देख सकते हैं कितने प्यारे बने हुए हैं। और इस तरह के मैं मतलब बुक में देखती हूँ तो बना लेती हूँ कुछ भी, कोई भी डिज़ाइन हो। तो मैं शायद एक बार दिखा चुकी हूँ। तो ये देखिए शिवजी मैंने बनाया था, और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ रोज़। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा रोज़ है, इसको भी मैंने ही बनाया था। ये देखिए, बैक कैमरा ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ, लाइट में दिख भी नहीं रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये इसको भी मैंने ही बनाया था। देखिए, बहुत सारी चीज़ें बनाई थी मैंने पहले, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ बिल्कुल भी। और वाईटी के चक्कर में और अब तो बिल्कुल भी नहीं बनाती, जब से मैं वाईटी में लग गई कुछ भी नहीं बना पाती। और फ्रेंड्स, अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा सभी को पसंद है। तो अभी हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाएगा चाय और आलू के पराठे, तो बना लेते हैं। और उसके बाद आज मुझे बनाना है मटर की सब्ज़ी, तो आज आप लोग शेयर करेंगे कि मैं मटर की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, या और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही बनाया, लेकिन आप लोगों को शायद रेसिपी शेयर किया है, तो आपको मैं दिखाऊंगी। और थोड़े से ही आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि मुझे सब्ज़ी बनानी थी, फिर जो है मैंने मुझे आधा नहीं बनाए। और फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद थोड़ा बहुत घर का काम था वो भी करने के बाद अभी लग गई हूँ। देख सकते हैं, प्याज अदरक और लहसुन और मिर्च, उसको कद्दूकस करना है, तो छील के मैंने रख दिया है, तो अभी कद्दूकस करते हैं और फिर जो है आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं कद्दूकस हो गया है, टमाटर वगैरह भी सारा कर दिया है। फिर बनाने में जल्दी होता है, पहले ज़्यादा और रेडी करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो फिर मैंने कहा पहले रेडी कर लेते हैं, फिर जो है नहाना वगैरह जो होगा करेंगे बाद में। तो पहले मॉर्निंग में ही ये मैंने सारा करके रख दिया था। ये वाले बनाने जा रही हूँ, वो बिल्कुल छोले की स्टाइल में बनाएंगे, जैसे छोले बनाते हैं वैसे ही मैं इनको बनाऊंगी। तो चलते हैं, इनको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा देर तक भिगोना पड़ता है, तो भीग तो गए हैं अच्छे खासे, और इनको देख लेती हूँ क्या ख़राब है इसमें क्या, क्योंकि ख़राब भी मटर होते हैं, तो उनको मुझे हटा लेना है, साफ़ कर लेना है, और फिर जो है इनको गलने के लिए रख देना है। तो जाते हैं, पहले इनको बीन लेते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे जो हैं मटर भीगते नहीं हैं, यानी कड़े कड़े ही रह जाते हैं सूखे सूखे, उनको भी हटा लेना है जो भीगे नहीं हैं, और जो भीग गए उनको उबाल लेना है। तो चलते हैं, करते हैं प्रोसेस पूरा। तो फ्रेंड्स, अभी मटर में जो सड़े हुए मटर होते हैं, कंकड़ होते हैं, कोई भी बहुत सारी चीज़ होते हैं उसमें मिलावट की, तो वही मैं बिन के हटा दूंगी और फिर उसके बाद उबलने के लिए रखूंगी। तो देख सकते हैं कितने सारे मटर ख़राब हैं, तो बहुत सारे ख़राब होते हैं, तो पहले मैंने नहीं बिना था, क्योंकि पहले समझ में ही नहीं आता है क्या ख़राब है क्या नहीं, कौन से ख़राब है यानी कौन से नहीं, तो फिर मैं बाद में भिगोने के बाद बिनती हूँ, तो उसे समझ में आ जाता है कौन सा ख़राब है कौन सा नहीं, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है उसका, जो अच्छे होते हैं उसका फ्रेश फ्रेश मटर साफ साफ झलकता है। तो फिलहाल अभी तो ज़्यादा इसमें कुछ निकला नहीं है, थोड़े बहुत ख़राब निकले थे मटर, तो अभी जाते हैं उनको कुकर में डाल के उबालने के लिए रख देते हैं। और इधर बन रही है मेरी चाय, तो ये देखिए मेरी चाय बन जाती है, बस इसको चढ़ा देती हूँ मैं कुकर में। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर फ्रेंड्स इधर अपनी चाय भी ले लिया है, तो चलते हैं चाय पीते हैं। और
आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी कढ़ाई में तेल डालकर उसमें देख सकते हैं जीरा डाल दिया है और तेज़पत्ता डाला है और हींग डाली है बस, और कुछ भी नहीं डाला है। बहुत सारे लोग बहुत सारे कुछ डालते हैं तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैंने यही डाला है। और उसके बाद देख सकते हैं जो मैंने अदरक लहसुन प्याज जो भी पीसा था वो मैंने डाल दिया है। इसको अच्छी तरीके से पकाना है और ये जितना ही अच्छा इसको पकाते हैं उतना ही अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। तो कभी भी कुछ भी बनाएं हम लोग तो सबसे ज़्यादा मसाला पकाना पड़ता है, जब अच्छी तरीके से मसाला पकता है तभी अच्छा होता है। और देख सकते हैं मसाले में तेल भी छोड़ दिया, उसके बाद मैंने हल्दी डाल दिया, उसमें हल्दी भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं अभी डाला है ये धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हरी वाली तो मैंने पीसा था लेकिन हरी वाली इतनी जो है तीखी नहीं होती है तो फिर लाल मिर्च डालना ही पड़ता है, तो उसको भी मैंने डाल दिया। और सभी को मिक्स कर देंगे यानी मसाले के साथ और थोड़ा सा पका लेंगे। और पकाने के बाद जो है फिर जो उसमें टमाटर जो कद्दूकस किया था वो मुझे डालना है, तो और टमाटर को भी खूब अच्छी तरीके से पका लेना है क्योंकि मटर तो पके हुए ही हैं। तो देख सकते हैं अभी मैं देख रही थी मटर पके कि नहीं, तो मटर तो फिलहाल पक गए थे। और देख सकते हैं अभी नमक भी डाल दिया मैंने, टमाटर के बाद नमक डालते हैं तो और अच्छी तरीके से गल जाते हैं टमाटर। वैसे तो मैंने पेस्ट बना लिया था लेकिन जो है फिर डाल देती हूँ टमाटर के बाद ही अधिकतर मैं नमक डालती हूँ, और पहले से ही आदत है टमाटर डालने के बाद ही नमक डालती हूँ। तो और उसमें अभी देख सकते हैं छोले मसाले भी डालना है क्योंकि छोले स्टाइल में मटर बना रही हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाया, मैं कभी भी मटर की सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ तो फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, तो मैंने कहा छोले स्टाइल बनाते हैं देखते हैं कैसे बनेंगे कैसे नहीं। तो फ्रेंड्स अभी एडिटिंग तो मैं बाद में कर रही हूँ, जो मैंने खाया था तो बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत अच्छे बने थे। पहले तो मैं सोची कि नहीं अच्छे बनेंगे, हाँ छोले जैसा स्वाद तो नहीं आता है, थोड़ा डिफरेंट आता है मटर के जैसे, लेकिन फिलहाल अच्छे बने थे जिस हिसाब से मटर की सब्ज़ी बनी अच्छे बने थे। तो और अभी देख सकते हैं इसमें मसाला अच्छी तरीके से सारा मिल गया है और यानी पक गया है अच्छे तरीके से, तो उसमें मैंने वही जो उबले हुए मटर का पानी था वो ब्लैक ब्लैक लग रहा होगा तो वो डाल दिया था मैंने। और फिर जो है पानी पका हुआ था ही तो फिर उसी में मैंने मटर डाल दिए थोड़ी देर के बाद, यानी 2 मिनट के बाद ही मटर डाले थे। और मटर को अभी ज़्यादा नहीं पकाना लेकिन पकाएंगे थोड़ा सा जिससे पानी और थोड़ा गाढ़ा हो जाए। तो देख सकते हैं अभी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी, आइए आप लोग भी खा लीजिए आके। और फ्रेंड सब्जी ब्लैक लग रही है तो लोहे की कढ़ाई में भी बनी थी तो इस वजह से कम ब्लैक लगती है और थोड़ा और ज़्यादा ही लग रही है, तो खाने के कलर में नहीं जाते हैं खाने के स्वाद पे जाते हैं। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी और आप लोगों को देखकर ही पता लग रहा होगा। तो फ्रेंड थाली मेरी लग गई है और खाने में देख सकते हैं ये है मटर की सब्जी, तो जैसे छोला बनाते हैं सेम वैसे ही बनाया, और चावल और एक रोटी और इधर सैलेड, सैलेड में जो है प्याज है, चुकंदर है, टमाटर है। तो चलते हैं खाते हैं और फिर बताते हैं आप लोगों को अच्छी बनी कि नहीं, अगर अच्छी बनी होगी तो ज़रूर बताएंगे और नहीं अच्छी बनी होगी तब भी बताएंगे। फ्रेंड्स जो सुबह मैंने मटर की सब्ज़ी बनाई थी वो जो है बहुत अच्छी बनी थी, मैंने कहा था आप लोगों को खा के बताएंगे, जब खाया था तो बहुत अच्छी थी लेकिन तुरंत मैं नहीं बता पाई क्योंकि मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया था। उसके बाद खाना खाने के बाद मैं सो गई थी, सोने के बाद जब उठी तो फिर उसके बाद मैंने कोई भी ब्लॉग बनाया ही नहीं, खाना वगैरह सारा बन गया खा लिया है। और अभी शगुन बना रही दलिया, क्योंकि दलिया उसने दोपहर में चढ़ाया था, फिर उसके बाद जो है उसको मन नहीं किया, उसने बोला दूध डाला ही नहीं था उसमें तो बोली कि बाद में बनाएंगे, फिर बाद के चक्कर में अभी बना रही है रात में, तो वो दलिया बना रही है और उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसको दलिया ही खाना है जब मन करता है बच्चों का, जबकि मॉर्निंग में बनाना चाहिए लेकिन उसको अभी खाना है तो उसने अभी बना दिया। तो अभी हम लोगों ने तो खाना खा दिया और आज है सैटरडे और किचन आज साफ़ कर लेते हैं, और तो अभी बच्चे दलिया खा लेते हैं फिर उसके बाद किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन भी थोड़े से बचे हुए हैं बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का वीडियो जैसा भी बना हो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।